इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ सर मात्र 15,000 से मशीन स्टार्ट, सिर्फ पंद्रह हजार से लेकर लाख सवा लाख दो दो लाख तक की मशीनें जाती हैं। जो व्यूअर्स जो आपके देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो चाहें कि बहुत कम पूंजी से हमको काम शुरू करना है, तो वो मात्र 15,000 वाली मशीन से काम शुरू कर सकते हैं। अजी ये मशीन है जिसने मार्केट के अंदर तूफान लाया हुआ है, धमाका किया हुआ है, तहलका मचा रखा है सर। बिल्कुल, ये वही तहलका वाली मशीन है। ये मशीन तो एक है सर, इस मशीन से काम अनेक है, मतलब 56 से 60 प्रकार का आइटम सिर्फ इस एक सिंगल मशीन से आप बना सकते हैं। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, लागत कितना लगेगा सर। और मान लो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट को सेल कहाँ करते हैं, तो हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा बताइए, अगर आप साथ कोई जुड़ते हैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा बिजनेस है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और उसका प्रॉफिट कितना होगा, मार्केट अगर माल बना लेते हैं, मार्केट बेचते हैं, उसमें प्रॉफिट कितना आएगा, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स थोड़ा डिटेल बताइए सर। जी बिल्कुल गणेश जी, सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप कैसे हैं। बढ़िया सर, बहुत जी सर, धन्यवाद। गणेश जी देखिए, जो आपके व्यूअर्स की ये होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ सर मात्र 15,000 से मशीन स्टार्ट, सिर्फ पंद्रह हजार से 15,000 से लेकर लाख सवा लाख दो दो लाख तक की मशीनें जाती हैं। जो व्यूअर्स जो आपके देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो चाहें कि बहुत कम पूंजी से हमको काम शुरू करना है, तो वो मात्र 15,000 वाली मशीन से काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि देखो, आप भी जानते हैं सर, जो आप छोटी मशीन लेंगे तो उसे थोड़ा कम माल बनता है, तो और अच्छी मशीन लेंगे तो उससे कैपेसिटी मशीन की ज़्यादा होती है। अगर आप 15,000 से बढ़ के अच्छी मशीन आते हो तो वो 5-10,000 आपके और बढ़ सकते हैं। ये आप थोड़ा सा इन पर ध्यान रखें कि, और जो भी आपको माल बनाना है, आपने पूछा मेरे से कि इस बने हुए प्रोडक्ट का करेंगे क्या, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक जानकारी दी थी इसी पॉइंट पे, मैं फिर बताऊंगा आपको गणेश साहब कि अगर आपके लोकल में ये माल सेल कम हो रहा है या आपके पास की डिमांड निकल नहीं रही है, तो हम आपकी उस एरिया में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं कि जिस भी एरिया में आप रहते हैं, अगर वहाँ पर आपकी सेल नहीं हो रही है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको आपके लोकल एरिया के अंदर 2 से 3 सप्लायर्स देते हैं जो बने हुए माल को आपके यहाँ से परचेज कर लेंगे। लेकिन वो जो माल परचेज करेंगे वो माल को आपसे 5 या 10 या 20 रुपए कम में लेंगे। जैसे कि अगर कोई भी वो रॉ मेटेरियल को बाजार में आपसे बने हुए फिनिश प्रोडक्ट को 300-350 में बिकता है, तो वो आपसे 280 या 290 रुपये में खरीदेंगे, 200-300 रुपये वो आपसे 200-300 नहीं 20-30 रुपये वो आपसे कम में लेंगे, क्योंकि आपसे माल लेके उनको माल बेचना है। तो आपको सेल के लिए कोई टेंशन नहीं है कि आपका माल कहाँ बिके। मशीन लेने के लिए हमारी कंपनी है मेलिजॉन प्राइवेट लिमिटेड, मैं उसका ओनर हूँ, मुकेश नाम है मेरा। हम पिछले 20 साल से प्राइवेट लिमिटेड फर्म में काम करें, ये कंपनी आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म में काम करें। मेरे कहने और लिखने से कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है, मेरे कहने से कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती है। आप हमको गूगल पे जा सकते हो, हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ही है और हम जस्ट डायल पे भी काम करते हैं, हम इंडिया मार्ट पे भी काम करते हैं, हम गूगल्स पे भी काम करते हैं, यूट्यूब पे भी काम करते हैं, और हम गणेश जी जैसे आप जानते हैं, हम आपसे भी परिचित हैं काफ़ी टाइम से, हम आपके संपर्क में भी रहते हैं, तो हम काफ़ी पोर्टल्स पे ऑनलाइन भी काम करते हैं, ऑफलाइन भी काम करते हैं। आप एक बिल्कुल ट्रस्टफुल कंपनी से जुड़ सकते हैं और बेचिंता बे किसी भी कन्फ्यूजन के आप हमसे जुड़ के व्यापार कर सकते हैं। और हम अगर आप चाहें तो हम आपको आपके लोकल एरिया के अंदर, लेकिन वो दिल्ली से ना कम से कम एक डीलर से दूसरे डीलर में 300 या 250 किलोमीटर का फर्क होगा, तो मैं आपको डीलर भी बना सकता हूँ आपके एरिया का। उसके लिए तो जो नीचे नंबर्स लिखे हैं उसके लिए आप हमसे स्पेशल पूछ सकते हैं कि भैया डीलर्स में हमको क्या बेनिफिट है। डीलर्स के काम में आपको 20-30% का नॉर्मल बेनिफिट है, जिसके लिए आपको बिल्कुल जीरो रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कोई पैसा उसका इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है सर, आपने सर बहुत अच्छी जानकारी बताया। और जो सर हमारे व्यूअर्स बिजनेस कर लेते हैं, अब प्रोडक्शन वगैरह थोड़ा बताएं, उसमें कैलकुलेशन कैसे करें, माल से जो बनाते हैं उसको मार्केट वगैरह सेल करना चाहते हैं तो अपना प्रॉफिट कैसे निकालें। सर जी इसका तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, बाजार में कुछ किसी का गलत आता है, कभी किसी कुछ कन्फ्यूजन आता है, हमने इसका बड़ा ही आसान तरीका निकाला हुआ है। अगर आप कोई सा भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इस बफर प्लेट की, ये है 12 इंची का, अगर आप ये बाजार में बेचना चाहते हैं तो रेट कैसे निकालें, हमने निकाला है इसका रेट बिल्कुल आसान तरीके से।
अगर आपने एक किलो माल लिया और एक किलो माल के अंदर ये 200 पीस बना लिए, एक किलो माल आपने लिया हमसे मात्र 40 रुपये में, 40 रुपये में आपके 200 पीस बन जाते हैं, 40 रुपये के अंदर आप अपना प्रॉफिट भी 40 रुपये ही रखो, मतलब 80 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया, हाँ सर सही पकड़ा, और 10 रुपये इस पर नॉर्मल खर्चा हो गया इस माल को बनाने का। खर्चे में हम जोड़ते हैं मशीन की इन्वेस्टमेंट, बिजली पानी की इन्वेस्टमेंट, लेबर का खर्चा, जो भी है 10 रुपये काफ़ी होता है सर। तो 40 दूनी 80 रुपये का आपका ये माल हो गया, 40 बनाने का, 80 प्रॉफिट का और 10 रुपये बनाने का, यानी कि 90 रुपये में इसका रेट है 200 पीस का। आप अपने यहाँ आप जानते होंगे कि आपके यहाँ कितने का माल बनता है, कितने का है, कितना का बिकता है, आप उससे अपने आप ही निकाल लेना। 200 पीस को बेचने के लिए थोक के व्यापारी को आप इस माल को 90 रुपये में दे सकते हो, जबकि ये माल आपका 140-150 में बिकता है। बिल्कुल सर। तो अगर आप कस्टमर को बेचोगे तो आप दिन के अंदर कम माल दोगे, कम का मतलब एक बैग दे दिया, दो बैग दे दिया। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आप अपने लोकल के 2-4 व्यापारियों को, थोक वालों को दे सकते हो, तभी आपको प्रॉफिट पर डे का 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार तक प्रॉफिट आएगा। देखिए आप भी जानते हो सर, अगर आपने प्रॉफिट लेना है अच्छा, तो आपको माल की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, और क्वांटिटी पे काम करेंगे तो थोक वाले व्यापारी को माल बेचना पड़ेगा। मैंने उसी का गणित दिखाया आपको। सही बताया सर। जैसे कि सर होलसेल बेचेंगे तो उनको माल ज्यादा देना होगा सर, प्रॉफिट उसमें ज्यादा होगा, और डायरेक्ट कस्टमर सर मुश्किल है ढूंढना, क्योंकि आप जो है माल बनाइए, कस्टमर ढूंढिए, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो हम वही कहते हैं कि हम आपको थोक वाले सप्लायर ही देंगे, हम आपको कस्टमर 2-4 गड्डी वाला नहीं देंगे, हम आपको 2-4 बैग वाला कस्टमर नहीं देंगे, हम आपको सप्लायर ही वो देंगे जो आपसे थोक में माल ले सके। और अगर आप थोक में माल करेंगे तो सर तभी तो आपका प्रॉफिट भी एक मशीन पे 5,000-4,000 का पर डे प्रॉफिट आएगा सर। जी बिल्कुल सर जी। तो सर जो आपकी मशीन है सर, उसके बारे में पूरा जानकारी जानना चाहते हैं थोड़ा, हमारी जो आपके पास मशीन रखी हुई है सारी, उसको सर डिटेल में सर दिखाइए, और जो भी प्रोडक्शन होता है उसे, उसको भी हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको सारी मशीन दिखा देता हूँ सर। मशीन अगर लेना चाहते हैं तो सबसे जो कन्फ्यूजन होता है सर, कौन सी मशीन लें, हाइड्रोलिक मशीन लें या दूसरी कोई मशीन लें, तो हमारे व्यूअर थोड़ा से ठीक से सर बताएं उनके लिए कौन सा बेस्ट मशीन होगा सर। सर जी ये मशीन है जिसने मार्केट के अंदर तूफान लाया हुआ, धमाका किया हुआ है, तहलका मचा रखा है सर। बिल्कुल, ये वही तहलका वाले मशीन है। ये मशीन तो एक है सर, लेकिन इस मशीन से काम अनेक हैं, मतलब 56 से 60 प्रकार का आइटम सिर्फ इस एक सिंगल मशीन से आप बना सकते हैं, सिर्फ इस मशीन से। तो सर सिर्फ देखने में मशीन एक है सर, काम इससे बहुत सारे कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये मशीन जो है इससे 3 इंची 4 इंची से लेकर 16 इंची तक का हर आइटम हर साइज बना सकते हैं। इस एक मशीन से चप्पल के सारे साइज बना सकते हैं, इसी मशीन से। इसी एक मशीन से आप ब्रश पैकिंग कर सकते हैं, इसी एक मशीन से आप इसका पैकिंग जूना पैक कर सकते हैं। देखिए सर, 6 इंच का ये माल है, ये इससे बनता है, 7 इंच का ये है, 7 इंच की प्लेट है, ये देखिए ये चलता है मार्केट में सर्कल वाला माल, ये पेस्ट्री थोड़ा सा कलरफुल होते हैं, हाँ ये मार्केट में बड़ा हाई सेल पे है, ये डिमांडिंग, हाँ ज्यादा। और ये जो माल है इसे हम बोलते हैं सर्कल माल, ये माल इसी मशीन से बनेगा, ये इसके सिवा किसी और मशीन से नहीं बनता है। ये देखिए 500 ग्राम GSM का माल, बहुत थाली सर, इसे शादी भी आप में खड़े होकर खाते हैं, खड़े होकर आप इस पर यूज कर सकते हैं। ये इसे बनता है, ये बफर सीट होती है, 180 जिसम का मोटा माल इससे बना सकते हैं आप, ये भोजन थाल आप इसे बना सकते हैं, ये 14 इंच का माल है, ये आप इसे बना सकते हैं, और तो और ये देखिए चप्पल स्लीपर का काम, हाँ जी चप्पल स्लीपर का काम भी आप इस एक मशीन से कर सकते हैं। इस मशीन को ऑपरेट करना बड़ा ही आसान है, इसमें ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है, अगर आप चाहें तो मैनुअल यूज करें, आप चाहें तो इसको ऑटोमेटिक चला सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ टाइमर सेट है, लाइट को कम ज़्यादा अपने आप एडजस्टेबल के लिए है, हीटर्स को ऑटोमेटिक सेट करता है, आपको कुछ नहीं करना, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें सर काउंटर भी दिया होगा, इसे जितना पीस बनेगा काउंट करके बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, काउंटर भी करेगा और जितनी ये लाइट को आपको कंज्यूम करेगा, लाइट को एडजस्ट करेगा, उसके बारे में इसमें दिया गया है। और ये सर घर में कोई भी आराम से चला सकता है, कोई माता है बहनी है घर में, कोई बुजुर्ग हो, कोई लेडीज भी कर सकती है, बड़ा सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना। ये मशीन अभी ऑफ पर है, हम ये बफर 500 जीएसएम का माल बना के दिखाएंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ मैनुअल कर दिया मैंने। अगर मैं पेपर रोल पे काम कर रहा हूँ तो फुल्ली ऑटोमेटिक पे काम करेंगे, अगर सीट पे काम कर रहे हैं तो हम आपको इसको मैनुअल पे काम करेंगे। ये हमने लगा दिया यहाँ पे सर, और सिर्फ डाउन करना है,
एक बार डाउन कर देना है और जब ये बन गया है तो इसको अप कर देना है। ये देखिए बनकर रेडी हो गए सर। बिल्कुल सर, ये देखिए क्वालिटी सर एक नंबर का निकला हुआ है सर जी। आप 500 जीएसएम का माल है ये, 500 जीएसएम का माल है ये। ये इतना अच्छा है कि ये मार्केट में 5-5 रुपए 6-6 रुपए का बिकता है एक पीस सर। हाँ जी सर, और बड़ा सिंपल है। और अगर आप इन्हीं मशीनों पे काम करेंगे पेपर रोल पे, ये सर पेपर रोल लगे हुए, इसमें 4 रोल लगे हुए हैं सर। हाँ, अगर ये चार, अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मुझे बफर नहीं, मुझे ऑटोमेटिक पे काम करना है, तो वो एक साथ 4-4 पेपर रोल को लगाकर इससे काम कर सकते हैं। और इस मशीन पे ऑटोमेटिक का बिल्कुल सिस्टम है, आप हाथ पे हाथ धरके ऐसे खड़े हो जाइए, मशीन चलती रहेगी, कटिंग करेगी, पेस्टिंग करेगी, प्रेसिंग करेगी और कंप्लीट माल को बना के बाहर निकाल देगी। सिर्फ पैकिंग का काम आपका रह जाएगा। बिल्कुल पैकिंग और काउंटिंग कि आपको 10 की गड्डी बनानी है या 50 की गड्डी बनानी है, सिर्फ ये काम आपका है और इस मशीन पे कोई काम नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, ये वही मशीन है जो मशीन एक है, लेकिन इस मशीन का काम अनेक है। ये वो मशीन है जिस एक मशीन से आप 4 इंची 3 इंची से स्टार्टिंग 16 इंची तक का सारा साइज मालेंगे, जूना पैक इसका पैक कर लेंगे, यहाँ तक कि चप्पल की सीटों पे भी काम कर लेंगे, इस मशीन से सारा काम आप कर लेंगे। यह मशीन है हमारे पास सिंगल डाई। सिंगल डाई में का मतलब होता है कि 14 इंची 12 इंची का एक पीस बनेगा, डबल डाई 6 इंची 7 इंची दो साइज बनाएगा, और अगर ट्रिपल डाई पे काम करना है तो 3 इंची 4 इंची काम करेगा। तो सर ये हो गया आपका सिंगल सिलेंडर का। तो इसके बाद जो आपकी दूसरी मशीन है ये डबल सिलेंडर की, ये है डबल सिलेंडर। सिलेंडर बोलते हैं एक और दो, दो सिलेंडर, ये है डबल सिलेंडर। और आप देखो सिंगल सिलेंडर पे बड़ा साइज हमने एक लगाया हुआ था, यहाँ 7 इंची 8 इंची के हमने दो पीस लगाए हुए हैं। इसमें 7 और 8 इंची दो लगाए हमने। हाँ, वहाँ देखिए सर जी, उस पे हमने 3 लगाए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ जी सर, मतलब किसी को ज्यादा प्रोडक्शन करना हो तो इस मशीन पे जा सकते हैं। और अगर आपको एक पीस बनाना है तो ये देखिए, ये 15 इंच का माल है, 15 इंच की डाई एक चलती है। अच्छा जी, तो 12 इंच 14 इंच 15 16 इंच चलेगा एक डाई, 8 इंच 7 इंच चलेंगे दो डाई, और 3 4 5 6 चलेंगे ये 3 डाइयां। ये है हाइड्रोलिक डबल सिलेंडर डबल डाई। तो सर आपने सर मशीन के बारे में आपने जानकारी दे दिया, सिंगल सिलेंडर डबल सिलेंडर, और जो ये रखा हुआ सर ये भी डबल सिलेंडर में। जी हाँ, ये भी डबल सिलेंडर है सर, ये भी डबल सिलेंडर है। जितना प्रोटेक्शन उससे है, उस प्रोटेक्शन इस मशीन से, इसका प्रोटेक्शन बिल्कुल डबल है, डबल होगा। जैसे कि इस पे आप 8 पेपर रोल पे एक साथ काम कर सकते हैं। सर इस मशीन को चलाने के लिए सर इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा, या घर की बिजली से आराम से चला सकते हैं, वो भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स बताइए। बिल्कुल सर, घर के घरेलू मीटर पे आप इन सारी मशीनों को चला सकते हैं। कोई मशीन हो, जो भी आपके पास मशीन रखा हुआ, घर की बिजली से आराम से चल जाएगा। हाँ, सिंगल फेस की लाइट है इन मशीनों में, 2 HP की मोटर है और इन मशीनों में 1 HP की मोटर है। और हम जितनी भी मशीनों में मोटर्स यूज करते हैं, आप देख रहे हैं हम गोदरेज कंपनी की मोटर्स यूज करते हैं। पूरा ब्रांड का सर? जी बिल्कुल, हम ब्रांड का ही यूज करते हैं, गोदरेज कंपनी का। आप ये देखिए, इसमें ये चल भी रही है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा ब्रांड का यूज कर रहे हैं। तो इसकी सर गारंटी क्या देते हैं जो मोटर लगा हुआ? सर इसका गारंटी कार्ड आपको मशीन के साथ मिलेगा। कुछ भी कमी बेसी होती है आप हमें फ़ोन नहीं कीजिएगा, आप सीधा कंपनी को फ़ोन करो, कंपनी से लड़का आएगा, अपने आप उसको चेंज करेगा या उसको रिपेयर करके सही करेगा, तो वो ऑन द स्पॉट करके देके आएगा। हम जितनी भी मशीनें यूज कर रहे हैं, मैं फिर बताता हूँ, सारी मशीनों में, चाहे छोटी लो चाहे बड़ी लो, सब मशीनों में हम गोदरेज कंपनी की मोटर ही यूज करते हैं। तो सर मोटर में अगर कोई समस्या होता है, वो जिसे गोदरेज का है तो गोदरेज कंपनी का मैकेनिक आएगा। बिल्कुल, और कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है वो आप तरफ? सर हम बैठे हुए हैं, वैसे इन मशीनों की गारंटी हम आपको 20-25 साल देते हैं, क्योंकि ये मशीनें ठोस लोहे की हैं। इन मशीनों में बिगड़ने के लिए, खराब होने के लिए कुछ है ही नहीं। और आपको हम बता देते हैं कि हमारे पास अलग से सिर्फ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, जो आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो सीधा वो डिपार्टमेंट एक्टिव होता है और आपको उसमें हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि आपने सर मशीन ले ली, अब उस मशीन में काम हो नहीं रहा है या चल नहीं, कोई दिक्कत आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई और आप बैठे हो, आप एनी टाइम सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कभी भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, वो आपको एट ए टाइम उसकी समस्या हल करा देंगे। अगर समस्या हल नहीं होगी तो आपकी मशीन ही चेंज करके आपको नई दिलवा देंगे।
ठीक है सर। तो सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर रॉ मटेरियल रखा हुआ है जी। अब जो होता है सर रॉ मटेरियल मशीन तो ले लेते हैं सर जी। अब रॉ मटेरियल सर रेगुलर चाहिए होता है क्योंकि मशीन ऐसी है कि इसमें रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 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 थोड़ा हमारे व्यूअर्स ये बताइए इसमें कौन कौन से टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं और कितने से स्टार्टिंग हो जाता है। सर ये देखिए ये जो रॉ मटेरियल है ये रॉ मटेरियल जो है हमारा ये माल आता है ये रॉ मटेरियल आता है हमारे पास सेल पत्ता का। ये है सेल पत्ता का, ये सेल पत्ता है, ये बनाना है और ये सिल्वर है और ये सर माइका है। हमारे पास आपको हर एक वैरायटी का माल मिल जाता है, हर एक वैरायटी का माल आपको बड़े ही थोक के रेटों पे माल मिलता है जिसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा जमा नहीं करना है। हम आप मार्केट में किसी से भी माल ले लो लेकिन एक बार आप हमारे पास आ गए हमसे हमारे रेट लेना जरूर देखें। आपको कन्फर्म बोलता हूँ कि आपको हमसे सस्ता रेट ही मिलेगा, हमसे सस्ता कहीं मिलेगा, हमारे पास बड़ा अच्छा रेट मिलेगा आपको। तो इसमें सर जीएसएम भी होता है, कितने कितने जीएसएम का होता है सर? जी इनके अंदर आपका 80 जीएसएम से लेकर 200 जीएसएम तक का होता है पेपर रोल फॉर्म में। अगर आप रोल फॉर्म में माल लेना चाहते हैं तो 80 जीएसएम से लेकर 200 जीएसएम तक का माल हो सकता है और अगर आप बफर सीट्स में लेना चाहते हैं इनमें तो ये 350 जीएसएम 500 जीएसएम तक का माल आता है। इस क्योंकि अगर आप 200 जीएसएम से ऊपर के माल को रोल करेंगे तो वो रोल फट जाएगा चटक जाएगा, इसलिए 200 जीएसएम तक का ही माल का रोल बनता है, उससे ऊपर का फिर सीटें आती हैं। और ये वो मशीनें हैं जिन मशीनों पे आप वेस्टेज पेपर भी यूज़ कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ इन मशीनों में आप फुल्ली ऑटोमेटिक करेंगे काम तो रोल पर काम करेंगे, सेमी ऑटोमेटिक काम कर जाते हैं तो बफर सीट करेंगे और तो आपने देखा होगा मार्केट में किसी भी कबाड़ी वाले में जाते हैं 10-12 रुपए में किलो में गत्ता मिलता है। बिल्कुल सर, उस गत्ते से बफर सीट्स, उस गत्ते से सर्कल वाला फूल वाला माल खूब बिकता है। सस्ता माल खरीदेंगे तो आप मार्केट में सस्ता मार्केट में बेच पाएंगे, उससे आपकी जो इनकम का औसत है वो और ज्यादा आता है, प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट सस्ता अगर मिलेगा माल जी, जी, तो जी जो हम फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। बिल्कुल सही सही कहा। अब सर ये फुली ऑटोमेटिक चला के दिखाए हमारी, मैं दिखाता हूँ सर, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं करना। ये हमने ब्लोवर इसका स्टार्ट कर दिया है, ये मशीन ऑफ, ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। अब हमने इसको सिर्फ ऑटोमेटिक पे स्टार्ट कर दिया है और अब हम अपना अलग से खड़े हो जाते हैं। ये देखिए अब हमने हाथों में बांध लिए हैं, अब हमको इस मशीन पे कोई काम करना ही नहीं है। ये मशीन पेपर लेगी अपने आप ऑटोमेटिक, कटिंग करेगी, पेस्टिंग करेगी, प्रेसिंग करेगी और कंप्लीट माल को बना के वो बाहर निकाल देगी। ये देखिए सर जी, इसमें सर बनाने से पहले 10-15 मिनट पहले गर्म कर लेना होगा, 15-20 मिनट गर्म कर लो ताकि इसके जो हीटर्स हैं वो गर्म हो जाएं। हीटर गर्म होंगे तभी ये माल प्रेस हो पाता है, अच्छे से प्रेस होगा। जी जी बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए जितना और ज्यादा गर्म होता रहेगा ये कंप्लीट पीस आपका अच्छा बनता रहेगा। तो सर ये हो गया हाइड्रोलिक मशीन, अब इसके बाद ये कौन सी मशीन है वो भी हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा बताएं। सर ये मशीन है क्रैंक मॉडल मशीन है, क्रैंक का मतलब होता है पंडलूम टाइम में मशीन चलती है, मशीन का मोटर होती है जो हाइड्रोलिक मशीन है। इसमें जो आपकी मोटर है वो आधी हाफ मोटर आपकी होती है ऑयल में और हाफ होती है हवा में। इन मशीनों के अंदर टोटल मोटर जो है वो हवा में ही चलती है, इसमें कोई ऑयल का काम नहीं होता है, इनको क्रैंक मॉडल बोलते हैं। और ये जो मशीनें हैं जैसे कि ये सिंगल डाई मशीन है, ये भी सिंगल है। अगर आपको 3 इंची 4 इंची 5 इंची साइज बनाना है तो आप इस छोटी मशीन से काम कर सकते हैं। 3 इंची 4 इंची 16 इंची माल बनाना है इन मशीनों पर आ सकते हैं। ये आपकी सिंगल डाई है, ये हमारे पास सेंट्रल पुल्ली मशीन डबल डाई है, इस पे भी आपका 14 इंची 12 इंची साइज, इसमें 2 डाई लगे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी सर। अच्छा इसमें सर देख पा रहा हूँ इसे बीच में जो मोटर लगा हुआ है, सर इसका नाम ही है, इसकी नाम इसका बड़ा खूबसूरती, इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी नाम से ही है। इसका नाम है सेंट्रल पुल्ली मशीन। अच्छा जी हाँ, मोटर और जो इसकी पुल्लियां है वो सेंट्रल सेंट्रल लगा हुआ है और बाकी का आइटम अलग है। अगर आप चाहें तो एक तरफ की डाई को एक बार में रोक सकते हैं, बंद सकते हैं। जैसे कि ये आइए सर जी, इन मशीनों सारा साइज बनता है और सारा साइज बनने के साथ देखो छोटे से बड़ा आइटम सब बनता है, 3 इंची 4 इंची 6 इंची और ये बफर प्लेट और ये पत्थर। और यह मशीन है आपकी टिप्पल डाई, 3 डाई मशीन, टिप्पल डाई मशीन। और ये हमारे यहाँ काफ़ी सील होती है, इसकी काफ़ी डिमांडेड में है। क्यों? सिंगल डाई मशीन पे जितना बिजली का बिल आएगा उतना ही डबल डाई पे आता है और तो उतना ही ट्रिपल डाई पे आता है। और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा सर? बिल्कुल सर, सिंगल डाई में एक पीस बनेगा, सिंगल डाई में 1 घंटे में 1500 पीस बनते हैं, डबल डाई मशीन में 1 घंटे में 3000 पीस बनते हैं, ट्रिपल डाई के अंदर 1 घंटे में 4500 पीस बनते हैं। और सर इसमें एक कमाल का चीज मैं देख पा रहा हूँ सर, जिससे कि इसमें एक जो है बड़ा चलाइए बड़े साइज का, 2 छोटे साइज चला सकते हैं। बिल्कुल सर, इसका ये मशीन को ना मार्केट को देख के बनाया गया है। मार्केट का देखने का मतलब क्या है कि जैसे मार्केट में आपने माल दिया, एक बना
14 इंची का पतल, 12 इंची का पतल, या आप बनाते हैं 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची का। मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है वो 6, 7, 8 इंच का आइटम और 12 इंच का आइटम है। इसीलिए एक तरफ 12 इंच का माल चलता रहेगा, एक तरफ 6-6 इंची के या 7-7 इंची के दो आइटम बनते रहेंगे, ताकि कम टाइम में आप एक तो तीन साइज बना सको। कम टाइम में तीन साइज बन गए और बिजली का बिल तो उतना ही आया जितना सिंगल डाई की मशीन पर आया। बिल्कुल सर जी। और एक कौन सी मशीन है सर डबल डाई की? सर ये डबल डाई मशीन है, ये नॉर्मल बाजार में सबसे ज्यादा सेल होने वाली मशीनें हैं। जिनके पास कम पूंजी है वो भी इसके काम शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर दो डाइयां होती हैं, चाहे दोनों डाइयां आप बड़ी यूज करें एक बार में, चाहे आप छोटा साइज यूज करें, जो भी साइज आपको बनाना है वो साइज आप इस पे को बना सकते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गए सर आपकी मशीन जिससे हम जो फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर किसी को रॉ मटेरियल बनाना हो, जैसे मान लो आपने बताया कि प्लेट बनाने के सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है, अगर इसका कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी आपके पास मशीन रखी हुई है? हाँ बिल्कुल सर। तो फिर सर फिर आप आइए इस मशीन पे। इस मशीन को बोलते हैं लेमिनेशन मशीन, मतलब पेपर रोलिंग मशीन। इसी एक मशीन से पेपर को रोल्स करके इस तरह के रोल्स बनते हैं। और ये जो मशीन है इसमें चार साइज बनते हैं, जैसे कि आप चार बार में दो पेपर ऊपर दो नीचे रोल्स बना सकते हैं। चार साइज मतलब है कि कोई 6 इंची के दो बना लो, एक 8 इंची का, एक 12 इंची का, इस तरह से इस पर चार चार पेपर रोल भी एक साथ बना सकते हैं, और वो भी ये कोई साइज हो। और अगर आप हम इसकी प्रॉफिट की बात करें कि भाई आपने मशीन लगा दी प्रॉफिट क्या हुआ, तो अमूमन आपको प्रॉफिट पड़ता है 10 रुपये से 12 रुपये 1 किलो पर। कितने बताया सर? 10 से 12 रुपए। हाँ जी, एक किलो पर। हाँ जी। अच्छा जी, जो मार्केट में 45 रुपए का माल बिकता है, अगर आप उस माल को अपने यहाँ बनाते हैं तो वो नॉर्मली आपको 30-32 रुपए पर किलो पे ही पड़ना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ जी सर, ये है पेपर लेमिनेशन मशीन, पेपर रोलिंग मशीन। ठीक है सर, तो आपने सारा सर मशीन अपना दिखा दिया और पूरा डिटेल बता दिया सर। थोड़ा सा बताया, अगर आपके पास यहाँ पर कोई आना चाहते हैं, आपके यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? थोड़ा सर, हमारा ऑफिस है बिल्कुल नियर अबाउट आपका लक्ष्मी नगर मेट्रो सेंटर। हमारा जो बिल्डिंग नंबर है वो D62 है, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा शॉप है, और गली नंबर 3 में लक्ष्मी नगर पड़ता है। आप जैसे कहीं से भी आते हैं तो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 पे आके मुझे कॉल करते हैं। उससे ज़्यादा ज़्यादा 40 से 50 मीटर की दूरी पर ही हमारा ऑफिस है। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि हम आपसे सिर्फ मशीन नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी टैगलाइन ही देखो सर क्या है, वी आर नॉट सेलिंग ओनली मशीन्स, वी आर सपोर्ट सक्सेसफुल बिजनेस। इसीलिए हम आपको हर एक वर्क, हर एक बिजनेस के लिए सक्सेसफुल की सपोर्ट करते रहते हैं, ताकि आपका बिजनेस चले। आपका बिजनेस चलेगा तो सर आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप हमसे सर्विस लेते रहेंगे, कभी रॉ मटेरियल लेते रहेंगे, कभी मशीन चलते रहेंगे। इसीलिए हम आपको खाली मशीन नहीं देते, इसलिए हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आपका बिजनेस रनिंग में रहे, रन रहे, सक्सेसफुल रहे।